अब उसकी जगह पर क्या खाएंगे आप लोग? छोड़ने कोई चीज नहीं है, खाना सब कुछ है, आपका खाना पीना बंद नहीं करते हम लोग, लेकिन जो चीजें नुकसान देती है उसको तो बंद करना ही है, और जो चीजें आपको स्वास्थ्य को अच्छा करेंगी उसको खाना है। इसलिए खाने में मैंने बताया चीनी, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, चीनी की बनी हुई सभी प्रकार की मिठाइयाँ, जो कुछ भी जिसमें चीनी डली है बाजार से, चाहे वो मुरब्बा ही क्यों ना हो, आंवले का कोई मुरब्बा हो, किसी चीज का कोई, जिसमें सफेद चीनी डल गई वो जहर, जिसमें सफेद उसको नहीं खाना, मैदे की बनी चीजें नहीं खानी, बिस्कुट वगैरह, पैकेटों की जो चीजें आ रही है, कुरकुरे हुए, चिप्स हुए, ये बच्चे खाते हैं, बच्चों के अंतड़ियों में जाके चिपक जाते हैं, जो कुरकुरे खाते हैं, माताएं सुन लो ध्यान से, जो अंतड़ियों में जाकर के छिद्र होते हैं छोटे छोटे अंतड़ियों, और जो मैदा होता है वो बहुत बारीक होता है, और वो जो नमकीन वगैरह खाते हैं वो भी बहुत बारीक होते हैं, वो बारीक जब हम खार के अंदर जाता है हमारे, तो उसके अंदर में जाकर फंस जाता है, चिपक जाता है, और उसके अंदर फंसने के कारण वो अंतड़ियां जो है वो रस को चूस नहीं पाती, क्योंकि वो जाम हो गई, अंदर में फंस गया वो जाके बच्चों के अंतड़ियों में। अब बच्चे को जब अंतड़ियों में फंस गए, कुरकुरे, चिप्स, ब्रेड, बिस्कुट वगैरह चिपके, चाउमीन वगैरह, अब आप बच्चों को जो है दूध घी मक्खन कितना खिलाते रहो वो लगेगा ही नहीं बच्चों को, क्योंकि जो अंतड़ियां हैं वो उसमें से भोजन में से रस को चूस के खून बनाएंगी, और खून बना करके उससे शरीर के अंगों को लगेगा, शरीर के अंग तकड़े होंगे, और जब अंतड़ियों में चिपक गया वो रस को चूस नहीं पाते और चूस के खून नहीं बनता उनका, जब खून नहीं बनता तो बच्चे बड़े फूलेंगे कैसे, और बच्चे ऐसे मरियत से रह जाते, माँ उसको कहेगी खा खा, खिलाएगी, ये खाता नहीं है, मारेगी, दुखी रहेगी उसको, फिर उसको टॉनिक खिलाएगी, अस्पताल ले जा करके डॉक्टर से कुछ बुलाए, कुछ बुलाए, अभी भी आवाज आ रही है पीछे माता बहनों, जो लोग सुनना चाहते हैं आराम से बैठ के सुनो, जिसको भी बातचीत करनी है थोड़ा पीछे चले जाओ, कोई हर्जा नहीं, आपकी मर्जी है, रास्ते सारे खुले हैं, लेकिन जो व्यक्ति सुनना चाहते हैं उनके तो कुछ पल्ले पड़े, और हम लोग इतनी दूर से चल करके आए हैं, और हमारा भी अंतरात्मा इच्छा कोई आपसे व्यापार करने आए हैं, कुछ लेने आए हैं आपसे, हम आपको देने आए हैं, इसलिए आपके सारे बच्चों बच्चों सब परिवारों तक ये ज्ञान पहुंच जाए, हम समझते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमारी बहुत कमाई होगी, हमें और कुछ चीजें, इसलिए शांति से बैठ करके सुनो ध्यान से पूर्वक, ताकि आपके और आपके सारे परिवार दूसरे रिश्तेदारों तक के भी बीमारियां रूप निकल जाएंगे। ऐसे हो रहे जो एक व्यक्ति आकर के वहां इलाज करवा के चला जाता है ना, वो सारे परिवार को ठीक कर देता है, रिश्तेदार दूर दूर तक ठीक कर, तो खाने पीने की चीजें जिसमें जहर आ गया है वो अंदर में जाके बच्चों के चिपक जाती है। मैंने देखा है कि कई बच्चे जो है हमारे यहाँ पर आश्रम में हमारी गाइडेंस में देख रेख में बच्चे हुए, हमने उनको बताया बेटियों को, बेटे को ऐसे भोजन देना, लेकिन फिर भी वो गलती करते, 6 महीने के बाद हुआ बच्चा, उसको बच्चे को रोटी खिलानी शुरू कर देती है, 6 महीने को छोटे छोटे कुछ ना कुछ डालना शुरू कर देंगे उसको, क्योंकि हमें पता नहीं है बच्चों के पालन को, कुदरत के नियम सिद्धांत को हर चीज की जगह पर समझना है। जब तक बच्चे के मुंह में दांत नहीं है तब तक बच्चे को 6 महीने तक अपनी माँ का दूध ही पीना चाहिए, पानी तक भी बाहर का नहीं देना चाहिए, वो भी उसको हजम नहीं होगा, पानी भी हजम नहीं होगा। हम तो छोटे बच्चे को कभी कुछ मुंह को लगा देकर, कई कई तो बच्चे मैंने ऐसा भी देखा बात है, उसको कोल्ड ड्रिंक भी पिलानी पड़ती है छोटे छोटे बच्चे, ऐसे मुंह को लगा दे, और उस बच्चे को माताओं को जैसे थोड़ा सा वो बड़ा हो फिर उसमें छोटी छोटी रोटी डालने शुरू कर देंगे, वो अभी दांत नहीं आए रोटी डाल, ये भी नियम नहीं। जब बच्चे का तक मुंह में कच्चे दांत आ जाए, जब तक दांत नहीं है तब तक तो माँ का दूध पिलाना है, 6 महीने तक तो पानी भी नहीं देना उसको, वो हजम नहीं होगा, क्योंकि उसके अंतड़ियां पचा नहीं सकती उन चीजों को, सिर्फ माँ का दूध पचा सकती है 6 महीने तक। उसके बाद धीरे धीरे कच्चे दांत आते, जब कच्चे दांत आए तब उनको गुद्दे वाली चीजें खिलाए, जैसे केला हुआ, थोड़ा फ्रूट हुए, नरम नरम, क्योंकि दांत भी अभी भगवान ने नरम दिए,
रोटी के दांत नहीं दिए अभी रोटी चबा कर वो खाते, इसलिए रोटी नहीं खिलाते। उसके बाद में जब दोबारा पक्के दांत आते पक्के, फिर उनको रोटी और वगैरह दूसरी चीजें जब अच्छी तरह चबा करके खा सकते हैं, फिर बाकी चीजें बाद में खिलानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे बड़ा उसके अंदर बचा नहीं पाते और बच्चे बस बस वही खराब होते। तो मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि वो जो बच्चों की आंतड़ियों में वो चिपक जाते हैं, कुरकुरे खिला लेंगे छोटे छोटे बच्चों को, वो अंदर जाके चिपक जाते हैं और वो रस को चूस नहीं पाती आंतड़ियाँ और खून नहीं बनता, इसलिए बच्चे मरीज से रह जाते हैं। वैसे हर कुछ नहीं होते जैसे होने चाहिए, उसके अंदर सूखे रह जाते हैं अंदर, और फिर क्या होता है, और फिर उन्हें जान नहीं होता बच्चों के अंदर। मेहनत कहाँ से करेंगे बच्चे जब बच्चों में जान नहीं होगा, और जिसमें ताकत है ना वो कभी खाली नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा वो काम करने के लिए, क्योंकि उसमें ताकत, हमारे अंदर ताकत है। इसलिए फिर हम लोग नशे का सहारा लेते, नशा का तभी नशा आदमी करता है जब शरीर बिल्कुल ताकत खत्म हो जाती है, काम करना है, इसलिए वो चाय पी करके शराब पी करके बीड़ी पी करके, इसलिए वो थोड़ा काम को जीवन को खींच के चलाता है, घसीट के चलाता है, ताकत है नहीं काम करने की, इसलिए फिर हम नशे में पड़ जाते हैं। तो बच्चों को वो चीज़ें जो खिलाएंगे वो चिपक जाएंगे अंदर जाके, बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए क्या चीज़ें खिलाएंगे, चीनी मिठाइयों की जगह पर गुड़ खिलाइएगा, गन्ने का रस खिलाइएगा, गन्ना खिलाइएगा, गुड़ की मिठाई बना के खिलाइए। आजकल तिल आते हैं भगवान सर्दियों में तिल देता है सफेद, तिल के लड्डू बना लीजिए, गुड़ बना करके गुड़ को गर्म करके उसमें मूंगफली भून के डाल दीजिएगा, नारियल का भूरा जो है गोले का उसको भून करके उसको गर्म करके उसमें कद्दूकस करके वो डाल करके बर्फी बना लीजिएगा गुड़ की, वो बच्चों को खिलाइए, मिठाई बहुत बढ़िया बन गई मिठाई। किशमिश की मिठाई बनाइए, किशमिश को पीस करके उसमें नारियल का भूरा मिला के बादाम मिला लीजिए, बादाम के लड्डू बना लीजिए, काजू के लड्डू बना लीजिएगा, उसके अंदर खजूर के लड्डू बना लीजिए, ऐसे ताकत देने वाली चीज़ें बच्चे ऐसे तकड़े हो जाए। हम बिना काम कर रहे हैं कि ये मत खाओ, हम तो कह रहे हैं जहर मत खाओ, उसकी जगह अमृत खाओ, चाय को छोड़ो, चाय पीनी है तो ब्रह्मी चाय आज आपने पी तो क्या स्वाद नहीं लगी, क्या आपको स्वाद नहीं लगी जब ब्रह्मी चाय, फिर वो पत्ते वाली चाय छोड़ करके जो जहर है आप ये चाय पी लो, सब कुछ पी की चाय पी लो, जड़ी बूटियों की चाय पी लो, तुलसी अदरक की चाय बना करके पी लो, कितने बना के चाय बनती, लेकिन जो स्वस्थ को अच्छी लगे सेहत को बढ़ाए उन चीज़ों को खाओ, जो सेहत को खत्म करो खाओ, ये चीज़ हो गई, मिठाइयाँ हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। और खाने की कोल्ड ड्रिंक का है आपका, नींबू की सब्जी बना सकती हूँ, दही की लस्सी बना सकती हूँ, नारियल का पानी पी लो, फलों का रस पी लो, गाजर का जूस पी लो, गन्ने का रस पी लो, गुलाब ये ताकत है इसमें बड़ी हो, ये पी लो कौन पी जाता, वो बंद बोतलों वाली चीज़ों ने जो हमें बढ़ा दिया एडवर्टाइजमेंट करके, वहाँ हम लोग इसलिए भटकना नहीं, यही माया का अंधकार है, इसको अंधकार कहते हैं माया, जो चीज विनाशकारी है उधर आदमी भाग रहा है, और जो चीज स्वस्थ के लिए अच्छी है उसका पता ही नहीं, वो पास भी पड़ी हो खेत में भी लगी हो जाए वो नहीं खाएगा, वो जहर खाएगा, जहर खाएगा। गन्ना बनाने वाला किसान भी गुड़ बनाने वाला गुड़ तो बाजार में बेचेगा, कुछ ही नहीं करेगा मिठाई करेगा, समझ नहीं है, पता नहीं है। और यही चीज का समझ आने जिस दिन आपके अंदर में सोए हुए जाग गए ना जिस दिन आप, उस दिन आपसे रोक अभी आप सोए हुए और वो आपको जगा रहे जी इलाज है, इसलिए दवाइयाँ मत ढूंढो, इलाज मत ढूंढो, वो इलाज की दवाइयाँ कभी मिलने वाली नहीं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, खाने पीने की चीज़ें, बाजार का आटा भी मत खरीदिए, अपना पिसाई आटा चोकर समेत मोटा आटा, ब्रीक आटा मत लीजिए, ब्रीक आटा भी फंस जाता जाकर अंतड़े में, इसलिए वो भी मत खाइएगा, अपना आटा पिसवा करके मोटा आटा पिसवा वो खाइएगा, और बाकी मैदे की ब्रेड बिस्कुट वगैरह सारी चीज़ें बंद कर दें, आइसक्रीमें बंद खाइए, वो भी जहर भरी हुई आइसक्रीम, जो कुल्फियाँ बेचने वाले आते हैं उसमें निजी सेक्रीन होते हैं, बच्चों को मत खाइए, रंग भी लाए हुए जो आइसक्रीम आते हैं ना वो संतरे वाली आइसक्रीम देखना, उनकी जीभ भी संतरे जैसे होते हैं, रंग भरा हुआ मेरा जहर है सारी आइसक्रीम बनाने हो तो घर में बना करके खिला दें,
दूध के उसमें बीच में डाल दे, बादाम डाल दे, काजू डाल दे, फ्रिज आज कल सबके घरों में रखा हुआ, उसके अंदर में डाल कर उसके ऊपर आइसक्रीम बच्चों को बना कर खिला दो। अब हम आपको खिलाते हैं जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, उसके बाद फिर आपकी बीमारियों कैसे आप ठीक करें घर के अंदर में ही बिना कोई दवाई खाए, कैसे ठीक करें जोड़ों को, कैसे ठीक करें दर्दों को, जोड़ों को दर्दों को। तेजाब बनने, अभी एक माता कह रही थी मेरे तेजाब बहुत बन रहे, तेजाबों को कैसे ठीक करें, अस्थमे को कैसे ठीक करें, माइग्रेन को कैसे ठीक करें, बुखार आ गया तो क्या करें, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। फिर आप वैसे करके अनुभव करना और सबने सीख करके सारी दुनिया को सिखाने में लग जाओ, घर घर तक इस ज्ञान को पहुंचाओ ताकि सारा समाज स्वस्थ हो जाए हमारा, कोई रोगी कोई दुखी ना, बल्कि पूरी दुनिया को सिखाओ और डॉक्टरों को भी सिखाओ कि भैया तुम लोग भी सीखो, बुखार देखो हम ऐसे ठीक कर लेते हैं, उनको भी सिखाओ जी, घुटने का दर्द देखो हमने ठीक कर लिया, हम ठीक हो गए, चश्मे उतर गए हमारे, गैस तेजाब हमारी बिना कोई दवाई के ठीक हो गई, उनको भी सिखाओ। हमारा देश संतों महापुरुषों का देश है, रहा है और आज भी है, हमें उनके अनुसार चलना, हम वो जुटे नहीं है या ब्रह्म की बात नहीं मानते, इसलिए हम लोग सुखी हैं। अब हमारे बीच में करमवीर जी आते हैं, करमवीर जी कहाँ हैं, आज पीछे बैठे हो, जरा थोड़ा बताइए इनको अपना अनुभव बताइए। हेलो, स्वामी जी को नमस्कार, सभी का चरण स्पर्श महाराज जी के। देखो ऐसे है कि जैसे आप लोग भी आते हैं ना स्वामी जी के पास भंडारा के लिए, हवन के लिए, ऐसे हम भी मान लो कि 7-8 साल पहले वैसे ही रामदेव के साथ जुड़े हुए थे, तो कभी गए थे आश्रम में महाराज जी के, महाराज जी का नेचुरोपैथी है, कोई आपने सुना ही होगा विचार, और अगर आपने अपना लिया तो आप तो स्वस्थ होंगे और दूसरों को भी स्वस्थ। लेकिन हम भी ऐसे जाते थे भंडारा करने, कुछ कभी खिचड़ी बनी, कभी किसी के साथ चले गए वैसे ही, कभी कोई टप बात कर लिया वैसे ही, लेकिन